हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अभी आप भली भांति जानते हैं कि मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम अपना दुर्गा पूजा मनाते हैं, जब हम रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, तो हमें थाना में एक आवेदन देना पड़ता है, और थाना से हमें परमिशन मिलती है कि आप अपना जो रामनवमी का जुलूस है, अपना जो आपका दुर्गा पूजा का त्यौहार है, उस चीज़ को आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह से छोटे छोटे गैंग के द्वारा और भी अलग अलग छोटे छोटे मुसलमान के समूहों के द्वारा किस तरह से झंडा निकाली जा रही है, ताजिया निकाले जा रहे हैं, रोड को जाम किया जा रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इनमें से किसी ने थाना में एप्लीकेशन दिया हो और अपना जो जुलूस होता है उसे निकालने के लिए थाना से परमिशन ली हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मुसलमानों ने जिस प्रकार से अपना भाव उन लोगों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिस प्रकार से उन लोगों को रोहू दंगई किया जाता है, वो सामने दिखने को दिख रहा है। क्योंकि अक्सर उन लोगों का जो स्वभाव होता है कि जानबूझकर के हिंदू इलाके में जाना, जानबूझकर के जोर शोर से चिल्लाना, हल्ला करना, और यहाँ तक कि हम अपने इलाके में देखें कि मुसलमानों के द्वारा तिरंगे झंडे किया गया, इस्लाम से संबंधित है, तलवार वगैरह का चित्र बना करके उसे आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से लहराया जा रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रशासन की उस तरह बात की गई होगी और कोई भी प्रशासन इस चीज़ को गलत बोला होगा, हमें तो नहीं लगता। खैर, रही बात की आखिर अपने देश में जहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, और यदि हिंदू बहुल क्षेत्र ना भी हो तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, तो इन मुसलमानों को किसी भी प्रकार का कोई प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। लेकिन वही यदि हिंदू धर्म के लोग किसी भी तरीके से कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, थाना में आवेदन देना पड़ता है। तो ये जो भेदभाव है ना, ये धर्म निरपेक्षता को नहीं दिखाता। लेकिन यदि बोला जा रहा है, संविधान बोल रहा है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, तो आखिर संविधान ही ऐसा क्यों किया है कि हिंदुओं को परमिशन लेनी पड़े और मुसलमान जहां मन वहां रोड जाम कर दें, जैसे मन वैसे अपना त्यौहार मनाए। ये तो नाइंसाफी है हिंदुओं के साथ। लेकिन इस चीज़ को देखने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई भी सरकार नहीं।